हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज टू ग्रो K2G में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं शैम्पू, कंडीशनर, जेल एंड ऑल दो थिंग्स, सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट हेयर लॉस। तो आज हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आपके बाल झड़ चुके हैं तो क्या करेंगे, अगर आपके बालों को झड़ने से आपको रोकना है, थिन आउट होने से रोकना है तो क्या करेंगे, प्रिवेंशन क्या लेगी, क्योर क्या करेंगे। मैं आपको कारण भी बताऊंगा बाल झड़ने के और उनको कैसे रोक सकते हैं, उसके कुछ नुक्से भी बताऊंगा, आप उसको यूज़ कीजिए एंड आई एम 100% श्योर कि आप के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके गाइज, सो एज यू गाइज कैन सी पहले हम बात करते हैं कि बाल झड़ने के कारण क्या क्या हैं। तो बाल झड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से नंबर वन कारण है आपका पुअर न्यूट्रिशन। अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो आपके बाल झड़ेंगे। एंड नंबर टू, अगर आप अपने बालों को हीट कर रहे हैं, ब्लो ड्रायर का यूज़ कर रहे हैं, या ज़्यादा ही गर्म पानी से नहा रहे हैं, ज़्यादा गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं, तो आपके बाल झड़ने और आपके बाल कमज़ोर होने का खतरा है। नंबर थ्री गाइस, अगर आप आर्टिफिशियल ड्रग्स, स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपके बाल झड़ने का बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका एक बाय प्रोडक्ट बनता है DHT, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो DHT के नाम से जाना जाता है, जो कि बाल झड़ने में और उनकी फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करने में नंबर वन है। इसीलिए बॉडी बिल्डर, जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं और ओलंपिया स्टेज पे जाते हैं, वो मैक्सिमम बाल्ड होते हैं, उनके बाल झड़ जाते हैं। गाइज नंबर फोर, यू आर यूजिंग टू मैनी प्रोडक्ट्स। आप एक नहीं बहुत सारे शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, क्लिनिक प्लस यूज़ कर रहे हैं, वाटिका यूज़ कर रहे हैं, डव यूज़ कर रहे हैं, देन देर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सो प्लीज़ स्टिक टू वन और टू प्रोडक्ट्स, यूज़ दैट ओनली। ओके नंबर फाइव, अगर आपकी जॉब आपको स्ट्रेस देती है या आपका लाइफ स्टाइल आपको स्ट्रेस देता है तो भी आपके बाल झड़ेंगे, तो स्ट्रेस से दूर रहिए। अगर आप अपने बालों को सारा दिन बांध के रखते हैं और उनको बहुत टाइटली बांध के रखते हैं तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं और आपके बाल जो है जड़ों से वो निकल जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये हैं 6-7 कारण जो मैं आपको बता सकता हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक मेन कारण बताता हूँ जिसके कारण बाल झड़ते हैं। आप कोई भी शैम्पू ले लीजिए, कोई भी शैम्पू, जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 शैम्पू हैं, मैं आपको फिर ये कंडीशनर है इसके बारे में भी बताऊँगा। तो मेरे पास एक हाथ में है क्लिनिक प्लस और एक है वाटिका। तो अगर आप इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे तो इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है वाटर, देन इंग्रेडिएंट में दूसरा है सोडियम लॉरल सल्फेट। सोडियम लॉरल सल्फेट इज नोन टू फॉर हेयर लॉस। ओके, सोडियम लॉरल सल्फेट को आपको हमेशा अवॉइड करना है। इसमें एक और इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है, वो है सोडियम क्लोराइड। एक और इसमें प्रोडक्ट है, सॉरी इंग्रेडिएंट है जो कि अच्छा नहीं है, वो है अल्कोहल। And there's one more, the name of that is silicate. Okay, silicate is also not good for your hair. And then there is, what is that? Okay, sodium hydroxide. That is also very bad. That is, you know, to make your hair gray. अगर आप आपके घर में आपकी सिस्टर वगैरह वो जो फैम की क्रीम की वो what you call that, वो ब्लीच आती है, आप ब्लीच में देखेंगे उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है ताकि वो आपके बालों को उसका कलर स्किन के जैसा कलर कर दे। तो इस शैम्पू में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है, दैट्स वेरी बैड, आपके सफ़ेद होंगे बाल। अब हम देखते हैं वाटिका में भी लगभग यही निकल हैं। तो यस, फर्स्ट इज एक्वा, एक्वा इज अगेन वाटर, लिखने का फर्क है। देन सोडियम लॉरल सल्फेट विच इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ अगेन। देन अगेन देयर इज सोडियम क्लोराइड विच इज़ वेरी बैड। देन अगेन देयर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, लैक्टिक एसिड एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो एवरी प्रोडक्ट यू गॉट इन मार्केट ऑलमोस्ट यू हैव ऑल दोज थिंग्स। एंड नाउ टॉक अबाउट डव, दे सर हमारा कंडीशनर बहुत अच्छा है, एवरी थिंग इज ब्ला ब्ला ब्ला, बट यू इफ यू सी द इंग्रेडिएंट लिस्ट, यू कैन सी दैट देयर इज रिटन, यू नो, इंग्रेडिएंट फर्स्ट इज वाटर, देन इज टेरेलियम, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, दैट्स अल्कोहल। अल्कोहल अगेन इज नॉट गुड फॉर योर हेयर। ओके, देन लेट मी फाइंड आउट, या देर इज क्लोराइड, ग्लिसरीन, देन सोडियम क्लोराइड विच इज़ वेरी बैड अगेन। एंड अगेन वी कम टू सम लैक्टिक एसिड। ओके ओके, लॉट्स ऑफ थिंग्स, पेट्रोलियम थिंग्स, पैराफिन एंड ऑल दोज थिंग्स इंक्लूडेड इन दीज शैम्पूज विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेयर एट ऑल गाइज। अगर आपको ये शैम्पू यूज़ करना है तो मैं आपको एक ही रिकमेंडेशन करूँगा कि आप हफ्ते में सिर्फ एक बार शैम्पू करें, एक बार, सिर्फ ओनली वंस।
अदरवाइज आई थिंक कि आप ऑनलाइन जाएं, आपको ऑर्गेनिक शैम्पू मिल जाएंगे, वो थोड़े महंगे होंगे, ये प्रोडक्ट थोड़े चीप हैं, उसमें थोड़ा महंगा होगा। आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। बट गाइज प्लीज़, अगर आपको बाल थिन हो रहे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, तो ट्राई टू यूज़ दोज ऑर्गेनिक शैम्पू। दोज आर लिटिल कॉस्टलियर बट दे आर गुड ऑन योर स्किन एंड ऑन योर हेयर ऑल्सो। ओके गाइज, नाउ वी टॉक अबाउट कि ये होता क्यों है। इसका पहला कारण है गाइस पोअर न्यूट्रिशन। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपके हेयर लॉस हो, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपका हेयर लॉस होना लगभग तय है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन इज नॉट ओनली फॉर बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन इज गुड फॉर योर हेयर ऑल्सो, बिकॉज आपके जो हेयर हैं वो भी एक टाइप का प्रोटीन है, उससे बनते हैं। सो प्रोटीन आपको किस चीज़ में मिलेगा? आपको अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा। आप वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, डायरी प्रोडक्ट है मिल्क, कर्ड, उसके अलावा कॉटेज कॉटेज चीज़, पनीर एंड टोफू, ऑल दोस थिंग। यू गेट पनीर इन योर इनफ प्रोटीन इन योर डाइट, सो दैट्स वाई यू गेटिंग इनफ प्रोटीन एंड बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर हेयर, बिकॉज दोज अमीनो एसिड्स आर वेरी वेरी गुड फॉर योर स्कैल्प हेल्थ एंड फॉर गुड फॉर योर दी ग्रो ऑफ हेयर। नंबर टू इज ओमेगा थ्री। ओमेगा थ्री आपको किस में मिलेगा? आपको फिश ऑयल में ओमेगा थ्री मिल जाएगा। अगर आप फिश खाते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मीट यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपको ओमेगा थ्री मिल जाएगा। ओमेगा थ्री बहुत सारे नट्स में है, सीड्स में है, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स, इसमें सीड में मिल जाएगा आपको ओमेगा थ्री। देन आलमंड, वॉलनट, कैशू, इन सब में भी ओमेगा थ्री है, और इन सब में फैट है। फैट इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड इट इज अगेन इम्पॉर्टेंट इफ यू गाइज। विटामिन ई इज फैट सॉल्युबल विटामिन, सो विटामिन ई इज वेरी गुड फॉर योर हेयर। ओके, आपने देखा कि बादाम में विटामिन ई है, बहुत सारे एड्स आते हैं, बादाम रोगन ले लीजिए, उसमें विटामिन ई है। तो विटामिन ई इज फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन, तो अगर आप विटामिन ई ले रहे हैं तो आपको उसके साथ फैट लेना जरूरी है। सो गाइज, दोज कैशू एंड ऑल दोज आर गुड फॉर योर हेल्थ, सो एड दोज इन योर न्यूट्रिशन। देन अगेन आयरन, आयरन इज गुड। आयरन, वाई आयरन इज गुड फॉर योर हेल्थ? बिकॉज आयरन इज दी ओनली थिंग विच प्रोवाइड ऑक्सीजन टू एवरी मसल, ओके, थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम। और जो आपके ब्लड के जो रेड सेल हैं उनको बनाने में भी आयरन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, तो आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, अगर हम आयरन एक मिनरल है, आयरन की बात करते हैं, तो आयरन हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा अगर हम विटामिन सी ऐड करेंगे, तो हमें विटामिन सी उसके साथ लेना पड़ेगा। विटामिन सी अगेन इज वेरी वेरी गुड। विटामिन सी बहुत ज़्यादा आंवला में मिल जाएगा आपको, लेमन में मिल जाएगा, ऑरेंज में मिल जाएगा, बेल पेपर में मिल जाएगा, कैप्सिकम में मिल जाएगा, ग्रीन चिल्ली में मिल जाएगा। तो विटामिन सी के बहुत सारे यूजेज हैं, तो प्लीज़ विटामिन सी अपनी डाइट में ऐड कीजिए। अगेन हम बात करते हैं विटामिन सी के बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ओके, जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और उसके बाद उसी को हम बायोटिन भी बोलते हैं। बायोटिन अगेन इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हेयर। आपने सुना होगा बायोटिन के बारे में, बायोटिन के बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी आते हैं। तो बायोटिन इज ऑल विटामिन बी। जो विटामिन बी आपको मीट प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, एग्स में मिल जाएगा, तो यूज दोज थिंग्स, ओके। बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिल जाएगा आपको विटामिन बी। बट जो प्लांट बेस्ड विटामिन बी है उसको हम थोड़ा, हमारी बॉडी जो है वो कम यूज कर पाती है, बिकॉज ऑफ इनहिबिटर होते हैं उनके अंदर जो बाइंड कर लेते हैं विटामिन बी के साथ, जिसके कारण हमारी बॉडी इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाती। तो प्लीज़ यूज़ दोज एनिमल प्रोटीन, एनिमल सोर्स ऑफ विटामिन बी, दोज आर रियली गुड एंड योर बॉडी कैन अब्सॉर्ब दोज। ओके गाइस, तो अगर आप जेल यूज़ करते हैं सो प्लीज़ अवॉइडिंग यूज़ दिस जेल, बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड। मैंने खुद यूज़ किए हैं जेल, क्योंकि जेल क्या है, जब टीनेजर होते हैं तो हम सबको आदत होती है जेल वगैरह लगाने की, बाल अच्छे रखने के लिए, सुंदर दिखते हैं, तो वी यूज दिस जेल, इज़ वेरी इजी, पॉकेट से निकाला इसको लगाया, इज़ वेरी इजी। मतलब दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड, क्योंकि चीप सस्ते प्रोडक्ट अच्छे जेल नहीं होते। तो आप महंगा जेल या एक्सपेंसिव जेल यूज़ कीजिए अगर आपको करना ही है, पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जेल ना ही यूज़ करें तो अच्छा है। अगर आप यूज़ करते भी हैं तो फंक्शन में आने के बाद इसको धो दीजिए, अपने बालों में से निकाल दीजिए। सो अगेन, बहुत सारे ऑयल ब्रांड मिलते हैं मार्केट में, मैं कोई ऑयल यूज़ करता नहीं हूँ। आप देख सकते हैं एकदम देसी है ये कोकोनट ऑयल है, मैंने यही लोकल मार्केट से ख़रीदा हुआ है, उन्होंने एक बॉटल में डाल के मुझे दिया था। सो मैं इसी ऑयल को यूज़ करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ अगेन ऑर्गेनिक एंड गुड फॉर योर
हेयर ओके। सो यूज कोकोनट ऑयल एज मच एज यू कैन। एंड अगेन एग्स की बात करूँ तो एग्स को आप खा सकते हैं और एग्स का मास्क भी बनता है बालों के लिए। आप पूरे एक एग्स को ले लीजिए ओके, इस एग्स को फेंट लीजिए और अपने आप बालों में लगा सकते हैं। और ऑनलाइन आपको खादी स्टोर से आंवला का पाउडर मिल जाएगा, 120-130 रुपए का आता है, वो बहुत अच्छा पाउडर है। उस पाउडर में आप एक चम्मच आंवला का वो पाउडर इस अंडे के साथ डाल लीजिए तो एक मास्क बन जाएगा। उसको आप 10 से 15 मिनट अपने बालों में लगाइए, बाल धोने से पहले लगा के छोड़ दें संडे को, उसके बाद आप अपने बाल धोएं, आपको अमेजिंगली 2 वीक में ही इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा गाइस। बट जैसे मैंने बोला है कि आप अगर ये शैम्पू यूज़ करते हैं तो बाल सिर्फ हफ्ते में एक ही बार धोएं, इन शैम्पू को ज़्यादा यूज़ ना करें तो अच्छा है। सो आई थिंक मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। इससे आपके बाल ना ही गिरना बंद होंगे बल्कि स्ट्रांग होंगे, थिक होंगे और काले भी होंगे अगर आपके बाल सफ़ेद हैं। आप अगर सफ़ेद हो चुके हैं तो उसमें कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कोई जादू हो जाएगा वो बाल काले हो जाएंगे। अगर आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं तो वो सफ़ेद ही रहेंगे, जो काले बाल हैं वो काले होंगे और जो बाल काले से सफ़ेद होना शुरू हो चुके हैं उनमें जो है उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, प्रिवेंशन हो जाएगा, तो आपके बाल ज़्यादा देर काले रहेंगे और हेल्थी रहेंगे और थिक रहेंगे। आपको वॉल्यूम मिलेगा बालों में, जो कि सारे लोग चाहते हैं स्टाइल करने के लिए, वॉल्यूम होना बालों में ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, एंजॉय योर डे।